आज आप लोग को नर्व इम्पल्स कंडक्शन के बारे में बताएंगे। बहुत ही आसान ये टॉपिक है, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है लेकिन बहुत आसान है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट ट्रिकी टाइप में, ठीक है, टाइम से इसको पढ़ा के खत्म कर देंगे। देखिए नर्व इम्पल्स कंडक्शन, जब नर्व इम्पल्स कंडक्शन देखते हैं तो इसको हम कई स्टेप में देखते हैं, जैसे रेस्टिंग स्टेज या पोलराइज्ड, दूसरा डीपोलराइजेशन, इसी को कहेंगे एक्शन पोटेंशियल, तीसरा है रीपोलराइजेशन, और चौथा है रिफ्लेक्टिव पीरियड। तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन जब देखें तो उसको चार स्टेप पे हम पढ़ते हैं, रेस्टिंग स्टेज या पोलराइज्ड स्टेज, ठीक है, दूसरा है डीपोलराइजेशन या एक्टिव एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, तीसरा है रिपोलराइजेशन और चौथा है रिफ्रैक्टरी पीरियड। चलिए अब देखते हैं इसको, ठीक है ना। पहला हम देखते हैं रेस्टिंग स्टेज, जब मेम्ब्रेन किस पे है, रेस्टिंग स्टेज में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन या रेस्टिंग स्टेज में जब मेम्ब्रेन है, तो रेस्टिंग स्टेज में जब मेम्ब्रेन होती है तो होता क्या है, इसके बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन के बाहर प्लस चार्ज होता है और अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होता है, इसको कहते हैं ECF, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, और इसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। अंदर की तरफ क्या होगा, एक्सोप्लाज्म। एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा, बाहर की तरफ सोडियम आयन होंगे, क्या होंगे, सोडियम आयन, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन और कुछ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे, कुछ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे जिसके कारण अंदर की तरफ माइनस और बाहर की तरफ प्लस चार्ज होगा, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में हम देखते हैं बाहर की तरफ प्लस चार्ज है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो एक पोल मेंटेन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का एक पोल मेंटेन होता है, ठीक है, एक पोल मेंटेन होता है, इसलिए स्टेज को पोलराइजेशन भी कहते हैं या पोलराइज्ड स्टेज, ठीक। इस स्टेज में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम चैनल ऑफ रहते हैं या सोडियम चैनल इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है, सोडियम चैनल क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, ठीक, या क्लोज होंगे, इनएक्टिव या कह सकते हैं इसको क्लोज, सोडियम चैनल क्या होंगे, क्लोज होंगे, ठीक। और एक्टिव क्या होंगे, देखिए सोडियम चैनल क्लोज है, यह है सोडियम चैनल क्लोज, क्लोज सोडियम चैनल, तो सोडियम चैनल अगर क्लोज है तो सोडियम अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा, सोडियम अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा। रेस्टिंग स्टेज में होता क्या है, यहां पे एक सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, क्या काम करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ सोडियम आयन को ले जाएगा और बाहर से अंदर की तरफ दो पोटेशियम आयन को लाएगा, ठीक है, कौन काम करेगा,
सोडियम पोटेशियम और ये तीन सोडियम को बाहर ले जाएगा, दो पोटेशियम को अंदर लाएगा। इसको कार्य करने के लिए एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता पड़ेगी एटीपी की। तो कैसा पंप है? एक्टिव पंप। कैसा पंप है? एक्टिव पंप। तो पहला स्टेप हो गया जो नर्व इंपल्स कंडक्शन का या जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स जो होता है वो क्या है? रेस्टिंग स्टेज है। रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा? बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज। अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज जो होगा किसके कारण होगा? निगेटिव प्रोटीन के कारण। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखा जाए रेस्टिंग स्टेज में या पोलराइज स्टेज में तो ये कितना होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल? -70 mV। पूछा आता क्वेश्चन रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? -70 mV। ठीक है, तो इस मिलीवोल्ट पे सोडियम चैनल क्या होगा? क्लोज होगा, सोडियम अंदर की तरफ नहीं आएगा। बाहर की तरफ सोडियम रहेगा, अंदर की तरफ पोटेंशियम और क्या होगा? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होगा। और यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करेगा जो क्या करेगा? मेंटेन रखेगा बाहर की तरफ सोडियम को, अंदर की तरफ पोटेशियम को। तीन सोडियम अंदर से बाहर की तरफ ले जाएगा, दो पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ लाएगा। इस तरह ये होता है रेस्टिंग स्टेज या पोलराइज स्टेज। इसमें क्वेश्चन पूछा आता है कि रेस्टिंग स्टेज या पोलराइज स्टेज में कौन सा पंप कार्य नहीं करता है? तो सोडियम कौन सा चैनल नहीं कार्य करता है? सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल। ठीक है, तो सोडियम चैनल भी यहाँ क्लोज है, पोटेशियम चैनल भी क्लोज है, सिर्फ कार्य कर रहा कौन? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है ना, समझ में आ गया? क्योंकि ये क्या सोडियम पोटेशियम क्या है? आयन है, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं इसको? आयन गेटेड चैनल भी कह सकते हैं, आयन गेटेड चैनल भी कह सकते हैं। दूसरा स्टेज अब देखते हैं डीपोलराइजेशन देखते हैं। दूसरा क्या है? डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, अब इसमें देखते हैं डीपोलराइजेशन को देखें। ठीक है ना, तो डीपोलराइजेशन में क्या होगा? ये कोई मेम्ब्रेन है, यही पहले वाला मामला रहेगा रेस्टिंग स्टेज वाला, बाहर की तरफ प्लस अंदर की तरफ माइनस। अब क्या होगा? इस मेम्ब्रेन को कोई स्टिमुलस मिलेगा, बाहर से तरफ कोई स्टिमुलस मिल रहा है, जब मेम्ब्रेन पे स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा? ये जो सोडियम आयन बाहर की तरफ है ये मूव करेगा कहां? अंदर की तरफ मूव करेगा। जैसे ही यहां पे कोई स्टिमुलस मिला, इस मेम्ब्रेन को कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो सोडियम आयन क्या होगा? अंदर की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 था, वो कहाँ पहुंच जाएगा? -55 पे। कहाँ पहुंच जाएगा? -55 mV। ठीक है, तो जैसे ही किसी मेम्ब्रेन, जैसे ही नर्व पर क्या कोई मेम्ब्रेन, नर्व मेम्ब्रेन है, उस पर कोई स्टिमुलस जैसे ही मिला, स्टिमुलस जैसे ही मिलेगा तो बाहर की तरफ जो सोडियम है वो क्या करेगा? जैसे स्टिमुलस मिला तो इसका वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा -70 से -55। जैसे ही ये पोटेंशियल चेंज हुआ -55, तो यहाँ पे सोडियम चैनल जो थे वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे सोडियम चैनल जो होंगे वो ओपन हो गए। सोडियम चैनल जब ओपन हुए तो सोडियम आयन बाहर से अंदर आएगा, यहां हो जाएगा सोडियम चैनल ओपन। ठीक है, सोडियम चैनल ओपन होगा तो क्या होगा? बाहर से सोडियम अंदर की तरफ आने लगेंगे। ठीक, जब बाहर से सोडियम अंदर की तरफ आने लगेंगे तो ये स्टेज जो लगातार होता रहेगा, बाहर से सोडियम जब अंदर की तरफ आएगा तो ये -70 से -55। ठीक है, और लगातार आने से क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये चला जाएगा, फिर अब ये पहुंच जाएगा लगातार सोडियम आ रहे हैं तो ये प्लस हो गया,
बाहर की तरफ माइनस हो गया और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, लगातार सोडियम आ रहा तो यहाँ क्या होगा, सोडियम आयन प्लस आयन की कमी होगी, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ लगातार अंदर सोडियम आ रहा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, प्लस आयन मूव करेगा, अट्रैक्ट होगा माइनस की तरफ, ये मूव करेगा इधर, अब जो इस पे चार्ज हो जाएगा ये प्लस, ये इधर आ जाएगा प्लस, ये इधर जाएगा माइनस और ये आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। और फिर अगला इधर ऐसे ही इम्पल्स आगे बढ़ेगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये फिर अट्रैक्ट करेगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ही क्या होगा, इम्पल्स आगे बढ़ेगी। अब डीपोलराइजेशन के कारण जो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब पहुंच जाता है कितना, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका पहुंचेगा अब 55 तक, तो क्या होगा, माइनस 70 से माइनस 55 तक सोडियम चैनल ओपन होगा, सोडियम चैनल ओपन होगा, सोडियम ज्यादा ज्यादा अंदर आएगा और इस तरह नर्व का क्या होगा, कंडक्शन होगा, इंपल्स का कंडक्शन होगा। ये तो हो गया डीपोलराइजेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन, या इसी को कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। तो पूछता है डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल में कौन सा चैनल ओपन होता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा चैनल ओपन हो रहा है, सोडियम चैनल। क्वेश्चन लगाइएगा बहुत आराम से लगेगा, डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, जैसे स्टिमुलस मिलेगा तो कौन सा चैनल ओपन होगा, सोडियम चैनल, और वो क्या कहते हैं, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस 70 से माइनस 55। अब अगला देखते हैं रीपोलराइजेशन, अगला देखते हैं रीपोलराइजेशन, अगला जो कंडीशन आएगा वो क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन, थर्ड हो जाएगा। रीपोलराइजेशन में क्या होगा, प्लस चार्ज था, यहां माइनस, यहां प्लस, ठीक है, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, ये किस लिए हुआ था, सोडियम आयन के अंदर आने के कारण। रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि यहां पे अब पोटेशियम पंप, पोटेशियम पंप नहीं, पोटेशियम चैनल ओपन होगा, पोटेशियम चैनल ओपन होगा, देखते हैं। पोटेशियम चैनल ओपन हो गया, अब पोटेशियम क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि पोटेशियम चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, पोटेशियम चैनल क्या होगा, ओपन होगा, अब ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा तो पुनः यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम के कारण क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो डीपोलराइजेशन, सॉरी, जो रेस्टिंग स्टेज में भी वहां भी क्या था, प्लस इधर था, इधर माइनस था, लेकिन वहां रेस्टिंग स्टेज में जो प्लस था वो सोडियम के कारण था, लेकिन रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा, प्लस जो हो रहा किसके कारण हो रहा, पोटेशियम आयन के कारण, ठीक है ना। अब यहां महत्वपूर्ण है, पूछा आता क्वेश्चन, रीपोलराइजेशन में पोटेशियम कहां से कहां मूव करता है, तो अंदर से बाहर की तरफ। दूसरा, कौन सा चैनल ओपन होता है, पोटेशियम चैनल ओपन होता है रीपोलराइजेशन में। अब आता है रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होगा, पुनः सोडियम बाहर की तरफ जाएगा, जो सोडियम अंदर था वो बाहर की तरफ जाएगा, और पोटेशियम जो बाहर आ गया वो अंदर की तरफ आएगा। रिफ्रैक्टिव पीरियड में कोई इंपल्स का कंडक्शन नहीं होता है। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड पहला इंपॉर्टेंट चीज है, नो इंपल्स कंडक्शन, नो इंपल्स कंडक्शन,
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है रिफ्लेक्टिव पीरियड में अगर देखें तो क्या होगा, यहां प्लस यहां माइनस, लेकिन रिफ्रेक्टिव पीरियड में कोई इंपल्स का कंडक्शन नहीं होगा और यहां काम करने लगेगा सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, वो बाहर की तरफ जो अंदर सोडियम आए थे उसको ले जाएगा, 3 सोडियम को बाहर पंप करेगा और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ पंप करेगा। तो 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर पंप कर रहा है, तो पुनः यहां पे सोडियम आ जाएगा, सोडियम के कारण प्लस चार्ज होगा और यहाँ पोटेशियम और निगेटिव प्रोटीन के कारण निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यदि रिफ्रेक्टिव पीरियड में कोई इंपल्स का कंडक्शन नहीं होगा और इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ कौन सा पंप काम करेगा, एटीपी की उपस्थित में सोडियम पोटेशियम। ठीक है, तो इस तरह दर्द का कंडक्शन जो होता है वो 3 पार्ट में हो जाता है। ठीक, एक हो गया क्या रेस्टिंग स्टेज या पोलराइज स्टेज, दूसरा डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल, तीसरा हो गया रिपोलराइजेशन और चौथा हो गया रिफ्रेक्टरी पीरियड। इस प्रकार इंपल्स, नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिनेप्स के बारे में बताएंगे, कैसे सिनेप्सिस होता है, कैसे 2 नर्व सेल्स आपस में जुड़ते हैं, उसमें इंपल्स का कंडक्शन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं सिनेप्सिस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।